तो गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। और यहाँ पे आज मेरे साथ हुआ था एक बहुत ही खतरनाक चीज़, जो कि हर वो यूट्यूबर के दिन मतलब जिंदगी में बहुत ही काला दिन होता है। तो हुआ ऐसा था, कल रात को मैंने देखा था कुछ मेरा चैनल का जो नाम है वो कुछ चेंज हो गया, कुछ वी यू भेट चेन ऐसा कुछ नाम हो गया था। तो जब मैं देखा था उसके बाद मैं गौर नहीं किया था, रात को सो गया था। फिर सुबह में उठ के एक वीडियो बनाना था, जोमेटो वाला वीडियो, किस तरीके से हमारा रेटिंग को चेक किया जाए। तो वो वीडियो मैं जब अपलोड करने जा रहा था मेरा यूट्यूब चैनल में, तब मैंने देखा कि मेरा चैनल में कुछ भी वीडियोस नहीं है, एक भी मेरा चैनल में वीडियोस नहीं है। ठीक है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने देखा कि मेरा चैनल में एक भी वीडियोज़ नहीं है, और उसके साथ साथ मेरा चैनल का नाम भी अलग है और मेरा चैनल का जो लोगो है वो भी अलग है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे इतना ख़राब लगा, इतना दिमाग ख़राब लगा कि मेरा दिमाग ही मतलब समझो कि काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, मेरा पाँव के तलस के जो जमीन रहता है उसे बोलता ना, वो सभी हट चुका है। मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हालत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनकम होता है वहाँ से, यूट्यूब चैनल से, आप लोगों को मालूम है। तो मेरा जो जीने का जो जरिया है, मेरा जो एकदम आने वाला लाइफ टाइम का जो प्लानिंग है, वो सब कुछ चला जाता है एक एक झटके में। मुझे अभी भी मालूम नहीं है वो किस तरीके से हुआ है, मेरे चैनल का जो हैक हुआ था। एक्चुअली मेरा चैनल जो है हैक हो गया था, और मेरा चैनल में सब कुछ वीडियो जो है वो अनलिस्ट कर दिया था। अनलिस्ट मतलब जो प्राइवेट कर दिया था, ठीक है, प्राइवेट कर दिया था, एक भी वीडियो जो चैनल के अंदर नहीं था। फिर जो है सभी वीडियोस को अनलिस्ट कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था। उसके बाद मेरा चैनल का जो लोगो है वो चेंज कर दिया था, मेरा चैनल का जो नेम है उसको भी चेंज कर दिया था। उसी के साथ साथ मेरा चैनल में एक वीडियो उन लोग अपलोड किया था, लाइव वीडियो चल रहा था, जो कि भेट कॉइन के ऊपर है, भेट चेन के ऊपर है, और वो वीडियो 7 घंटा से लाइव था, 7 आवर्स से लाइव था। ठीक है, मतलब बात करेंगे सुबह में, अगर अभी जो है 2 बज रहा है, तो 2 बज रहा है मीन्स जो है 1 बजे से लेके मतलब रात को सुबह में शायद 7-8 बजे से, नहीं 7-8 नहीं 5-6 बजे से जो है वो लाइव में था मेरा वीडियो, और 7 घंटा हो गया था। वीडियो अभी देख सकते हैं, मेरे चैनल अभी भी है, मैं उसको जानबूझ कर डिलीट नहीं किया। हाँ, लाइव में चल रहा था उसको, मैं जो है जो गूगल कस्टमर केयर है, गूगल का जो सपोर्ट टीम है उनसे मदद मांगा, तो उसके बाद उन्होंने बताया किस तरीके से उसको ऑफ़ किया जाए। तो मैंने मेरा जो डैशबोर्ड है वहाँ से जाकर उसको ऑफ़ किया। उससे पहले दोस्तों मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि मैंने मेरा जो ग्रुप है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर का मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो दोस्त लोगों का ग्रुप है, उसमें पूछा। और थैंक्स गाइस, थैंक्स, अगर आप लोग कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो उस मेरा दोस्त में से अंदर, तो आप लोगों का जो गुड विशेस था और आप लोगों का जो प्लानिंग था, आप लोग पहले बताए थे कि पहले आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करो, उसके बाद उसको 2FA का एक करो, सिक्योरिटी करो। एक्चुअली मेरा जो 2FA का सिक्योरिटी है वो मेरे चैनल में, मेरा ईमेल आईडी में शायद 7-8 महीने का पहले से ही है, क्योंकि कोई भी अगर मेरा ईमेल आईडी को हैक किया कर मतलब करने की कोशिश करता है, उसको अगर हैक करते हैं, उसको अगर ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, तो मेरा 2-3 फ़ोन है, उस 2-3 फ़ोन में मुझे जो है मैसेज आता है। ठीक है, हाँ, बीच में एक फ़ोन तो मेरा गम गया था, वो फ़ोन गम गया मतलब जो मैं फ़ोन लिया था नया फ़ोन, वो तो गम गया है, उसमें तो मैसेज नहीं जाता है। बट ये वाला जो फ़ोन है गैलेक्सी J8, और ये वाला जो फ़ोन है, ये जो फ़ोन है रेडमी 9 है, इसके अंदर तो मैसेज मुझे आता है। बट उन लोगों ने हैक किया, उसके अंदर वीडियो भी अपलोड कर दिया, लाइव वीडियो चला दिया, तो मुझे कुछ भी मैसेज भी नहीं आया, क्या भी नहीं आया। मतलब कौन सा ज़माने में हम बस मतलब जी रहे हैं, और किस तरीके से गूगल का एंड यूट्यूब का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से है मुझे समझ में नहीं आया। एक आदमी मेरा चैनल को हैक कर लेता है, उसके अंदर लाइव वीडियो ऑन करके चला देता है, लाइव वीडियो चल रहा होता है, और मुझे मालूम होता है एक दिन के बाद जब मैं लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कोई वीडियोस नहीं है, और चैनल का लोगो, नेम, सब कुछ चेंजेस है। खैर गाइस, मैंने वो टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैंने मेरा ग्रुप के अंदर पूछा, मेरा जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का मेरा जो दोस्त लोगों का ग्रुप है उसके अंदर पूछा, उनमें से बहुत सारे लोग जो कि गौरव है और अभिषेक भाई है, और जो है बहुत सारे भाई लोग, पुष्पेंद्र भाई है, इस तरीके से बहुत सारे, राहुल, बहुत सारे भाई लोग मुझे सलाह दिया कि भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा टेंशन मत कम करो, जो है आराम से रहो, चैन की सांस लो, उसके बाद आराम से जो है अपना ये सभी काम कुछ करो, कुछ भी टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का चैनल जो है डिलीट भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का चैनल जो है टर्मिनेट भी हो जाता है, उसके बावजूद भी यूट्यूब की तरफ से सपोर्ट में अगर आप काम करोगे ठीक से, तो आपका चैनल को फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि फिर से आपका जो है चैनल फिर से नया आपको मिल जाता है। तो मेरा जो है जो भी कुछ प्रोसेस मैंने किया था, पहले ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा था,
और ट्वीट किया था, कुछ फोटोज मैंने डाला था, यूट्यूब टीम को ट्वीट किया था, उस ट्वीट को मेरा बहुत सारे लोग उसको दोस्त लोग जो है उनको रिट्वीट भी किया था। उसके बाद यूट्यूब का टीम से मुझे मैसेज आता है, जो है रिप्लाई आता है कि आप जो है हमारे साथ डीएम में आ जाओ, मैसेज करो। उसके बाद मैंने गूगल का जो मतलब यूट्यूब में सर्च किया माइस्मार्ट सपोर्ट का, मेरा जो गुरु है माइस्मार्ट सपोर्ट जी का, उनका वीडियो देखा, उसमें से एक ईमेल आईडी मिला। उसमें जब मैं ईमेल किया, ईमेल करने के बाद वहाँ से ऑप्शन दिखाया कि ये आपके लिए नहीं है, आपको कहीं और मतलब दूसरा और एक लिंक है, उस पर जाके आप सपोर्ट में बातचीत कर सकते हो। तो सपोर्ट में उसका मेरा बहुत सारे कुछ चैट किया, उसके अंदर उन्होंने मेरा कुछ सब कुछ डिटेल्स पूछा, मेरा जो एडसेंस का जो पब्लिशर्स आईडी है, जो भी कुछ है उसको मैंने इसके रिलेटेड दो तीन वीडियो में बनाऊंगा, एकदम डिटेल वीडियो किस तरीके से मैंने किया है पूरा के पूरा। जो सिस्टम है मैंने सिस्टम के, मेरा जो लैपटॉप के, मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चला के रखा था, सब कुछ सिस्टम आपको दिखाऊंगा। बट यही एक खुशी का दिन, मतलब बहुत ही ख़राब लग रहा था आप लोगों को बताने के लिए, और खुशी का ये भी है कि जो भी कुछ है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है, फिर से शुरू होने का ऑप्शन भी मिलता है। तो ऐसे में अगर आपके पास तो आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का जो लिंक है वो कहीं पे भी रखो, मतलब वो एक ऐसा चीज़ है कि आपका जैसे कि एटीएम कार्ड है सर, जैसे कि आपका एक एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड का जो पिन कोड रहता है ना, इस एटीएम कार्ड का जो पिन कोड रहता है, सीवीवी नंबर जो रहता है, वो आप किसी को नहीं बोलते हो, और वो अगर रहेगा तो बैंक वाला आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, मतलब समझ सकते हो जो यूआरएल है आपका यूट्यूब चैनल का, वो लिंक कहीं ना कहीं आप जो है एकदम मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से पेस्ट करके रखो, बहुत ही अच्छा कहीं पर आपको जो है लिख के रखो, ताकि जब भी यूट्यूब चैनल टीम के साथ आपको बातचीत हो जाए तब जाए उस जो लिंक है आपको दो। मेरा तरफ से कुछ भी नहीं होता, मेरा चैनल चल रहा था, मेरा चैनल के मैं लॉगिन भी कर पा रहा था, उसके अंदर वीडियोज़ भी देखा था मैंने, तो ऐसे में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर चैनल डिलीट हो जाता था, अगर चैनल टर्मिनेशन हो जाता था, अगर चैनल में कुछ भी नहीं होता था, तो आपको जो है बहुत ही ठीक करने आना पड़ता था मुझे। तो थैंक्स सब कुछ, सब दोस्त लोगों को, थैंक्स गॉड को, थैंक्स जो है यूट्यूब सपोर्ट टीम को, गूगल का सपोर्ट टीम को, जिन्होंने जो है सब कुछ समझाया मेरे को। और मैंने उन्होंने बताया था कि एक ब्रांड अकाउंट बना लो, अगर आपके चैनल में कुछ इस तरीके का थ्रेट है तो जाहिर सी बात है अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है फॉर्म एक फिलअप करो, और आपका जो सेम नाम पे और एक चैनल बनाएंगे, पर उसको जो है ब्रांड अकाउंट में नाम के बनाएंगे, उसके बाद आपका जो भी आपको मोटिवेशन करना है आप कर सकते हो। मैंने देखा मेरे चैनल में कुछ भी तकलीफ तो अभी तक तो नहीं है, और उसको ब्रांड अकाउंट बनाने के लिए दो तीन दिन का वेट करना पड़ेगा शायद, उसके बाद वीडियोस वहाँ पे जो है अपलोड आपको मिल जाएगा। अगर आपका चैनल में कुछ वीडियोस डिलीट हो जाता है तो आपको जो है ब्रांड अकाउंट बनाना चाहिए। बट मेरा चैनल वीडियोस तभी था, और मैं भी मेरा चैनल के अंदर जो है लॉगिन भी कर पा रहा था, इसीलिए मैंने वो ब्रांड अकाउंट बनाने का जो ऑप्शन है, जो ऑथोराइजेशन दे रहा था मेरा यूट्यूब सपोर्ट टीम को, मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपके पास प्रॉब्लम है, वीडियोज़ नहीं मिल रहा है, डिलीट हो गया, तो आप ये कर सकते हो, ब्रांड अकाउंट मिल जाएगा एक दो दिन के अंदर, उसके बाद सब कुछ पहले जैसे ही हो जाएगा। बट मोटिवेशन आपके तरफ से भी करना है, जो आपका चैनल का नेम, लोगो और डिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ चीज़ रहता है वो सभी आपके तरफ से फिर से लिखना है। ठीक है, तो वीडियोस पूरा मिल जाएगा, जो भी पैसा था वो भी मिल जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। हालांकि मेरा तो बहुत ख़राब हो गया था, मेरा दोस्त लोगों को थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग मुझे जो है ये ख़राब टाइम मुझे जो है सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट मैं दो तीन वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से मेरा चैनल को हैक किया गया था, हैक किस लिए हुआ था, और उसको मैंने किस तरीके से किया, सभी वीडियोस को एक वन शॉट एक ही बार मैंने किसी तरीके से उसको पब्लिक कर दिया था, सब कुछ आपको वीडियो बनाएंगे। बट एक चीज़ तो आप लोग बताना चाहूँगा इससे पहले कि दो तीन दिन पहले मुझे एक मेल आया था, जिस मेल में मुझे बोला गया था कि आपको एक वीडियो हम देंगे, उस प्री रोल वीडियो को 10 सेकंड का वीडियो रहेगा, वो 10 सेकंड का वीडियो को आपको अपना कोई भी वीडियोज़ के अंदर डालना पड़ेगा। एक गेम है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, और उस वीडियो का हम प्री रोल वीडियो है 10 सेकंड का है, उस वीडियो का हम अपने सेंड करेंगे आपको दिखाएंगे, तो आपका ईमेल में सेंड करेंगे, तो उसको आप चला के देख लेना, उसके बाद उस वीडियो का अपना कोई भी वीडियो के सामने 10 सेकंड का वीडियो रहेगा और डाल देना। ऐसे में आपको क्या होगा, आपको जो है हम लोग $50 से लेके $5,000 तक, जैसे कि आपका चैनल का एनालिटिक्स है, उस एनालिटिक्स देख के आपको दिखाएंगे देंगे। तो मेरा भी एक ग्रीडी फील होगा था, ग्रीडी नहीं एक्चुअली, ये हमारा जो है धर्म बोल सकते हो, क्योंकि मेल में अगर कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर करता है तो हमें देखना ही पड़ता है, देखना मतलब पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। तो हमने उसको देखा, उसको मेल में वीडियोस आया था, और मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि मेरा लैपटॉप के अंदर उसको खोला नहीं था, मेरा मोबाइल के अंदर उसको खोला नहीं था, मैं जो खोला था मेरा डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप मेरा जो है एक सर्वर बोल सकते हो स्क्रैप है, उसमें कुछ भी अच्छा सा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको मैं चला रहा हूँ जब तक मेरा लैपटॉप पर बैटरी ना आ जाए। जब ये जो मेरा सोया हुआ सेल है, जब तक इसका बैटरी नहीं आएगा तब तक दोस्तों मैं इसको चला रहा हूँ, और ये दोस्तों उसमें मुझे बहुत सारे ज़्यादातर अच्छा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरा इसमें है। तो मैंने क्या किया था, उसमें मुझे
जो इस वीडियो को ओपन किया था, वीडियो था जैसा कि ये 500 MB का वीडियो था और उसको मैं डबल टैप कर दिया था, डबल टैप कर दिया था और डबल टैप करने के बाद वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो है टेस्ट में चला गया था। जब मैं इसको राइट क्लिक करके देखा कि उसमें दिखा रहा था टेस्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा के पूरा सिस्टम मेरा जो है कब्ज कर लिया था और ऐसे में मेरा यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया था। बट मुझे एक दिक्कत आ रहा है कि उन लोग अगर हैक करना ही था, पासवर्ड भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर से किस तरीके से उन लोग हैक करके मेरा वीडियो सभी प्राइवेट कर दिया, उसके साथ मेरा जो सभी कुछ वीडियोस है उसको किस तरीके से जो है नया वीडियोस कोई एक चैनल का वीडियो उठा कर डाल दिया जाता है लाइव वीडियो। ऐसे वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूँगा वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप लोग भी ठहर जाओ, आप लोग भी थोड़ा सा कुछ भी स्पॉन्सर वाला कुछ भी मेल आया उसको बहुत ही ध्यान से देख से देखो। हालांकि मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम है किस तरीके से उसको, मतलब और भी हम सिक्योरिटी के तहत से देखें और किस, मतलब स्पॉन्सर मेल को हम देखें या फिर नहीं, स्पॉन्सर ईमेल को किस तरीके से हम और भी अच्छा तरीके से इसको हमें समझ में आया कि स्कैम नहीं है हमारे साथ, ये जो है ठीक हो रहा है या फिर नहीं। तो गाइस बहुत कुछ है वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, स्कैम जो मेरे साथ हुआ था, जो मुझे मेल आया था उस मेल को किस तरीके से मैंने खोला था उसका भी एक वीडियो बनाया हूँ और हर मेरे चैनल में सभी कुछ जो वीडियो है उसको मैं किस तरीके से एट ए टाइम जो है पब्लिश किया हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल का यूट्यूब जो सपोर्ट टीम है उन लोगों के साथ मेरा जो चैट हुआ था किस तरीके से जो भी कुछ हुआ था, मैं इसके रिलेटेड 2-3 वीडियो मैं डिटेल में बनाऊंगा। बस दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू आप लोगों का गुड विशेस के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करने का पैसा नहीं चाहिए, कुछ फ्री है, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है। थैंक यू, बाय बाय।